नमस्ते नितिन, आपका एक बार फिर हमारे इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत। तो आप बताएं कि आज आप हमको क्या पढ़ा रहे हैं, क्या सिखाएंगे आज आपने? जय श्री राम। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर अगेन। और आज का जो विषय है वो है जब एक ही कुंडली में तीन या तीन से ज्यादा ग्रह इकट्ठे हो जाते तो उस चार्ट को कैसे प्ले, क्योंकि जहां पर मल्टीपल कंजंक्शन होती है ना, मल्टीपल प्लैनेट की कंजंक्शन, उसको रीड आउट करना, उसकी प्रेडिक्शन निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। बिकॉज वहां पर इतनी सारी कंजंक्शन की वजह से एक दूसरे के ट्रेड मर्ज करते हैं। तो हाँ, उन चार्ट को देखने में हम किस तरह देख सकते हैं, उन चार्ट में किन किन बातों का हमें ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, तो आज वो करेंगे। तो जिन जिन की कुंडली में मल्टीपल प्लैनेट कंजंक्शन है आज उन्हें बहुत फायदा होने वाला है। बहुत सारे लोगों, दो तो खैर मामूली ही हैं, दो तो जैसे सन मर्क्यूरी प्राय साथ रहते हैं, या सन मर्क्यूरी वीनस प्राय साथ रहते हैं, तो दो या तीन ये प्लैनेट्स तो हैं। लेकिन जब आपके बड़े ग्रह जैसे कि आपके जुपिटर हो या मार्स भी साथ में हो जाए इन दो तीनों के साथ, तो थोड़ी सी उलझने और बढ़ने लगती हैं एनालिसिस। तो थैंक यू सो मच फॉर इट, चलिए शुरू करते हैं। तो वही जो मैंने कहा, कई ग्रहों की युति हो तो उसका फलित कैसे करना है, ये उससे रिलेटेड। देखिए पहले ये डिस्कस करते हैं कि ऐसी कुंडली देखने में क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, क्या क्या चैलेंजेस हमारे सामने। सबसे पहला चैलेंज तो ये होता है कि जब आप तीन चार ग्रह यदि इकट्ठे बैठते हैं तो कई राजयोग बन जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 9th और 10th लॉर्ड, अगर इफ दे आर सिटिंग टूगेदर, वी कैन से कि भैया राजयोग है और ये कुंडली में नवमेश दशमेश का राजयोग बड़ा अच्छा माना। लेकिन जब वहां पर दो से ज्यादा ग्रह होंगे तो कुड पॉसिबल कि वहां 6, 8, 12 के स्वामी भी हो, दुस्थान आधिपत्य भी हो, नेगेटिव लॉर्ड भी। ऐसे में वो राजयोग बन भी रहा है और वो राजयोग भंग भी हो रहा है, राइट? हमने नवमेश दशमेश को देखकर ये तो कह दिया कि हाँ ये राजयोग है और ये पॉजिटिव रिजल्ट देगा, बट एट द सेम टाइम बिकॉज ऑफ नेगेटिव लॉर्ड वो कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं डाइल्यूट हो रहा है या पॉल्यूट, राइट? तो ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट चीज होती है देखना कि राजयोगों का फल बताते समय इन पांच ग्रहों की या चार ग्रहों की युति को ध्यान से देखना। दूसरा, जैसे हम सब जानते हैं कि दशा के फल के बारे में बृहत पराशर होरा शास्त्र कहती है कि भाई जिन भावों का स्वामी है ग्रह उसका फल करेगा, जिस भाव में बैठेगा उसका करेगा, राइट? और जिन प्लैनेट्स के प्रभाव में है, जिनके साथ युति करके बैठा है, उसका रिजल्ट। जब एक ग्रह चार या पांच ग्रहों के साथ होता है तो उसको रिजल्ट कैसे प्रिडिक्ट करें, बिकॉज उसकी दशा अगर 17 साल या 19 साल चलनी है या 20 साल से शुक्र है बस, तो ऐसे में अगर वो सिंगल प्लैनेट होता एक सिंगल हाउस में, आसानी से प्रिडिक्ट किया जा सकता था कि यार ये वाली फल ज्यादा मिलेंगे, बाकी फल भी अंतर दशाओं के आधार पर फलीभूत हो। लेकिन जब आप स्वयं ही चार से पांच ग्रहों के साथ बैठे हो तो स्थिति बिल्कुल बदल जाती है, मतलब अपस्विंग और डाउनस्विंग लाइफ में आप बहुत देख उस दशा, राइट? तो ये देखना जरूरी है। और एक और जो इशू आता है वो यही कि मित्र शत्रु सब साथ हो जाते हैं। हाँ, ये बहुत बड़ी मुश्किल हो जाती है कि सब, मतलब यदि आप जुपिटर सैटर्न मर्क्यूरी सन, यदि चार प्लैनेट एक साथ बैठे हैं तो कौन किसका मित्र कौन किसका शत्रु हो जाता है, ये समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, एक एनपीआर में दिख रहा है कि शुक्र बुध है, दोनों मित्र है, ये अच्छा होगा। एट द सेम टाइम वहाँ दो ऐसे ग्रह बैठे हैं जो दूसरे ग्रुप को बिलोंग करते हैं, तो वो भी एक प्रेडिक्ट, ऐसी कुंडलियों को प्रेडिक्ट करने में ये प्रॉब्लम रहती है कि अब मित्र शत्रु को कैसे, अब करें क्या, किन बातों का ध्यान करें जब हम कभी इस तरह की कुंडली। सबसे पहला प्रिंसिपल ये है कि जिस भाव में तीन या अधिक ग्रहों की युति हो उस भाव से संबंधित कारकों को जीवन में अधिक महत्ता, मतलब ऐसा बृहत पराशर होरा शास्त्र में भी है जहां तक मेरी नॉलेज है कि जिस भाव में तीन या अधिक ग्रह हो उस भाव को लगन बनाकर कुंडली देखें। ये भी कहा जाता है कि हम नॉर्मली लगन कुंडली देखते हैं, चंद्र देखते हैं और सूर्य कुंडली देखते हैं, सुदर्शन पद्धति, राइट? लेकिन ये हम ये बताना भी जरूरी है कि जिस भाव में आपके चार या पांच ग्रह इकट्ठे हो जाएं, तो उस भाव को भी लगन बना के कुंडली देख लें।
ठीक है, कि आपका कार्मिक कनेक्ट लाइफ में उस भाव से बहुत ज्यादा जुड़ा हो। बिल्कुल बिल्कुल, आप दुनिया से हटके हैं बिकॉज आपकी कुंडली में इस तरह का कॉम्बिनेशन है जो बाकी लोगों में कम देखने को मिलता है, और इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर हाउस जहाँ पे ये कॉम्बिनेशन हम देख, उस भाव को इम्पोर्टेंस ज्यादा देनी चाहिए। कैसे? जैसे ये पत्रिका है, 22 जनवरी 1974 की कुंडली है, 4:30 बजे मेरठ का जन्म। अब इस कुंडली में 4 ग्रह तीसरे भाव में, राइट? तो इसका अर्थ ये हुआ कि तीसरे भाव से संबंधित कुछ ना कुछ इवेंट इसकी लाइफ में होनी चाहिए। ये एक फीमेल का चार्ट है, और इसने क्या बताया, इसने कहा कि सर मैं हमेशा घर से दूर रही, शॉर्ट जर्नीज मेरी लाइफ में बहुत रही कि हर वीकेंड पे मुझे अपने घर जाना है फिर वापस आना है, स्टडी मेरी कानपुर हो रही है, घर मेरा लखनऊ है। उसके बाद यंगर को बॉर्न के बारे में पूछा गया तो कई मिसकैरेजेस हुए इनकी मदद, छोटा भाई नहीं है, छोटा बहन नहीं, और आज भी ये स्टडी के लिए यूके गए, ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये कि तीसरा भाव जो कि शॉर्ट जर्नीज, पराक्रम, छोटे भाई बहन, इन सब चीजों को दिखाता है, वो हर समय कोई ना कोई इसकी लाइफ में रोल प्ले करेगी, एंड शी इज क्वाइट बोल्ड बाय नेचर। ये भी यहाँ बताना जरूरी है कि नेटिव जो है वो अब इसके लिए हम और भी फैक्टर देख सकते हैं कि वृश्चिक लगन है, लग्न पर मंगल की दृष्टि आ रही है, लग्नेश हो, राइट? लेकिन स्टिल ये है कि ये बोल्ड काफी है, पराक्रमी है, एंड शॉर्ट जर्नीज इसकी लाइफ में बहुत इन्वॉल्व रही, और छोटे भाई बहन जैसे मैंने कहा मिसकैरेजेस बहुत देखे। घर से दूर रहना बिकॉज इट्स 12th फ्रॉम द 4th हाउस आल्सो, मतलब अपने चौथे घर से 12वां घर है, तो फिर घर का व्यय या घर से विच्छेद तो होना ही था उस, तो वो भी बिल्कुल चौथे से 12वां होना, यानी कि ग्रह सुख का नाश या ग्रह सुख का व्यय, वो अभी घर से दूर ही रहे मोस्ट ऑफ द टाइम, ये मैंने बताया। उसके बाद सेकंड प्रिंसिपल जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि राशि स्वामी का बल देखें, जिस भाव में सारे ग्रह बैठे हैं, जिस भी भाव में, उसका स्वामी में कितनी पोटेंसी है, वो कितना बली है। क्यों भाई? जिस भाव में 3 या 4 ग्रह इकट्ठे होकर बैठे हैं, क्या उस भाव के स्वामी में इतना बल है कि वो उन 4-5 जितने 3-4 जितने ग्रह हैं उनका पोषण कर सके? अगर है तो ये कॉम्बिनेशन नेगेटिव नहीं है। अच्छा, ठीक है, यस। अगर वो वीक है तो ये कुछ उस तरह हुआ कि जैसे वो महाभारत में किस्सा आता है कि पांडवों के यहाँ पर दुर्वासा ऋषि अपनी पूरे को लेकर पहुंचे थे वनवास के, तो जब आपके घर में कुछ है नहीं, आप निर्बल है, क्या खिलाएंगे? हाँ, शक्तिहीन है, तो ऐसे में वो स्थिति बहुत खराब हो जाती है। लेकिन अगर मान लीजिए आप एग्जॉल्टेड हैं, आप उच्च स्थिति में बैठे हैं, तो वही 3-4 ग्रह आप में इतनी पोटेंसी है कि आप उनको मैनेज कर। Are you getting my point? तो जब भी हम देखें किसी भाव में युति को, तो ये जरूर देखें कि उसका स्वामी में कितना बल। देखते हैं, जैसे यही पत्रिका जो अभी हमने थोड़ी देर पहले दी, इसमें 3rd हाउस में 4 ग्रहों की युति थी, और 3rd लॉर्ड 8th हाउस में है, राहु केतु एक्सिस में, वक्री भी है, हाउस पोजिशन भी उसकी अच्छी नहीं है। मतलब अगर मैं कहूं कि 8th हाउस में जाना, इट इज नॉट कंसीडर टू बी गुड, फ्रॉम लग्न इट इज इन द 8th हाउस एंड फ्रॉम द भावा इट इज इन द 6th, राइट? तो दोनों ही से स्थिति में ये अपने से दुस्थान में गया है, और राहु केतु एक्सिस में, तो यहाँ पर वो कॉम्बिनेशन जो है वो पॉजिटिव रिजल्ट देगा, इसकी संभावना कम हो गई। अप डाउन में उसको पॉजिटिव मिले इसकी संभावना कम हो गई, इसमें नेगेटिविटी बढ़ गई बिकॉज 3rd लॉर्ड 8th में आ, दुस्थान। उसी तरह अगर हम इस कुंडली पर ध्यान दें, इस कुंडली में लगन लॉर्ड जो ये युति है कितने ग्रहों की है? 5 ग्रहों की, और लग्न भी वही है, लगन भी वही है, और सूर्य है लग्नेश जो कि लगन में ही स्थित है, राइट? अब ये स्थिति ये दिखा रही है कि ये जो 4-5 ग्रहों की युति है इसको होल्ड करने की क्षमता इस नेटिव में है, क्योंकि लगन का स्वामी सूर्य लगन में ही स्थित है, स्वराशि का अग्नि तत्व ग्रह अग्नि तत्व राशि में ही
तो ये एक पॉजिटिव साइन है ये बताने के लिए कि भाई ये जो है ये कॉम्बिनेशन नेगेटिव रिजल्ट नहीं है। और यहाँ पर भी वही बात आई कि देखिए मैं यहाँ फिर एक बात बोलूंगा कि प्लैनेट जितने फैले हुए होंगे ना कुंडली उतनी अच्छी हो, क्यों? इसके बारे में फलदीपिका और बृहत पराशर शास्त्र दोनों बोलते हैं कि अगर आपके सात ग्रह सात भावों में हो तो वीणा योग बनता है जिसके बारे में बड़ी तारीफ है। फिर छह में हो तो दामिनी, पांच में हो तो पाश, चार में हो तो केदार, मतलब उनको अच्छा काउंट किया, ठीक है। और जहां पे हमने कह दिया जी सारे ग्रह इकट्ठे होके एक जगह बैठ गए तो उनमें उन्होंने योग जो बताए वो सारे नेगेटिव, उसका जो प्रेडिक्शन है वो नेगेटिव रहे। और ये बहुत सीधी तरह हम समझ भी सकते हैं कि जैसे एक एग्जांपल दूं तो जैसे अगर मान लीजिए प्रॉपर डिस्टेंस पे अगर आप सोइंग करते हैं, एग्रीकल्चर हम जब पढ़ा रहे होते हैं स्टूडेंट्स तो हम कहते हैं कि एक ब्रॉडकास्टिंग मेथड होता है कि आपने सीड्स जो है ऐसे ही फेंक, तो जो आसपास अगर ग्रो करेंगे तो जैसे एक कहावत भी है कि बड़े पेड़ की वजह से छोटे पेड़ की ग्रोथ नहीं होती अगर आसपास हो, लेकिन अगर इक्वली डिस्टेंस पे अगर डिस्पर्स हैं तो वो कुंडली अच्छी हो जाए। हाँ, वो सभी घरों को फैलने का पनपने का मौका मिलता, नहीं तो यहाँ पर सब एकजुट होके एक ही घर पे बहुत ज्यादा आपका जीवन बहुत केंद्रित एक ही जगह हो जाता। बहुत बहुत सही कहा आपने, केंद्रित हो जाता है और बाकी कुछ भाव ऐसे होते हैं जो बिल्कुल अनछुए रह जाते हैं। अच्छा, तो पहली चीज ये कि ऐसे कॉम्बिनेशन अच्छे नहीं है, लेकिन अगर है कुंडली में तो लॉर्ड को देखें कि वो उसमें कितना स्ट्रांग है, तो उसकी नेगेटिविटी को कंट्रोल कर सकता है अगर नेगेटिविटी है। ये चार्ट राजीव गांधी जी का, ठीक है। तो हमें पता है जब तक वो जीवित थे तब तक भी वो पायलट का कोर्स कर रहे हैं, फिर वो प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं, लाइफ में इतने अप्स एंड डाउन आए जबकि वो एक रॉयल फैमिली को बिलोंग करते, राइट? अप्स एंड डाउन के ना मतलब उतार चढ़ाव रहे कि करियर को लेकर और बाकी चीजों को लेकर, जबकि जिस फैमिली को वो बिलोंग करते थे वहां पे ये चीजें होने की संभावनाएं कम है, राइट? लेकिन स्टिल उन्होंने ये सब देखा जब तक वो रहे। और वही जैसे लगन में कहा हमने कि लगन में इतने सारे ग्रहों की युति है, तो लगन बहुत ऐसा भाव हो गया जिसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों देखने को। अब आगे देखते हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डिग्री क्या है, अगर युति है भी तो कौन कितनी डिग्री पर बैठा है, कौन किसको इन्फ्लुएंस कर, ठीक है। प्रश्न शास्त्र में हम पढ़ते हैं इत्तशाल के बारे में, इश्राफ के बारे में, वो सब डिग्रीज पर बेस्ड। और यहाँ मैं कहता हूँ हमें यू नो इस कुंडली नॉर्मल कुंडली देखने में भी होरा शास्त्र में भी इसका प्रयोग करना चाहिए प्रश्न शास्त्र के अलावा, वो ज्यादा अच्छे से आपको पिक्चर देता है। कैसे? जैसे इसी कुंडली की बात करते हैं, 1 फरवरी 1962, ठीक है। इस कुंडली में ये युति जो हुई 5 या 6 7 ग्रहों की, सॉरी वो पंचम भाव, हमने देखा पंचम भाव में युति होने के बाद यानी कि पंचम से संबंधित चीजें लाइफ में बहुत होंगी। फिफ्थ भाव बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले, नेटिव ने ये कंफर्म किया कि सर शादी के काफी सालों तक कोई बच्चा नहीं हुआ, हुए एक्सपायर हो गए, किसी सिद्ध पुरुष ने आके हमें कहा कि आप अब ट्राई करो अब हो जाएगा, उसके बाद इनके एक गुड़िया है जो कि 14-15 साल की है अब, तो उन्होंने ये बताया कि हमें पंचम भाव से संबंधित इतनी परेशानियां देखने को मिली कि लगा लाइफ में कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये चीज नहीं थी, बच्चे नहीं हो पा रहे थे, फैमिली में एक ही भाई था, तो इस तरह, ठीक है। तो पहला प्रिंसिपल तो ये रहा। दूसरा, अगर हम डिग्रीज पे जाएं तो हम देखते हैं कि इस भाव का स्वामी है शनि, शनि के पीछे मंगल है उससे कम डिग्री पर, और उससे जस्ट अगली डिग्री सूर्य की है, राइट? तो यानी यहाँ पर शनि सैंडविच है दो क्रूअल प्लैनेट के बीच, और तो इजी इन हिज ओन साइन, मतलब अपने ही घर में बैठा है, लेकिन स्टिल इट इज सैंडविच बिटवीन टू क्रूअल प्लैनेट, नेचुरल क्रूअल प्लैनेट, दो क्रूर ग्रह जो मित्र भी नहीं है, तो मतलब आपस अच्छा दबाएंगे उसको। तो इसका अर्थ ये हुआ कि यहाँ पर स्थिति खराब हो रही है, अगर लॉर्ड को सपोर्ट नहीं मिल रहा मैलेफिक इन्फ्लुएंस की वजह से उसकी हालत और खराब, ठीक है। तो जब कभी भी युति देखे, अच्छा इसी में अगर हम बात करें बुध की, बुध एंड डिग्रीज पर है,
और वो रिटर्न कर रहा है वापस जाने की कोशिश। तो इसको इस तरह समझे कि जो ये पांच ग्रहों का जो जाल था उसमें से निकलने वाली स्थिति में केवल बुध है, although वो निकलना नहीं चाह रहा बिकॉज ऑफ रेट्रोग्रेड। मेरा कहने का मतलब ये है कि इसके इस युति में छूटने की संभावना, सबसे पहले बचने की संभावना बुध की है, लग्नेश की। उसको कैसे देखते हैं, एक और कुंडली से मैं आपको बता, जैसे ये में लग्नाधिपति शनि है और चार ग्रहों की युति में वो बैठा, राइट। पहला प्रिंसिपल हमारा ये था कि उस भाव को इम्पोर्टेंस दे जहां पर ये युति हो। दूसरा प्रिंसिपल था कि उसका उस भाव का लॉर्ड दे। अगर हम इस घर में इस भाव का लॉर्ड देखते हैं, यानी मरकरी बुध कन्या राशि में ये युति है, तो बुध की स्थिति हमने देखी, बुध भाग्य स्थान में बैठा है मित्र राशि, अस्त है बुध को, ऑल्दो ये कहा जाता है अस्त होने का दोष नहीं लगता, लेकिन हाँ। वहां है और वो वक्री अवस्था में है, राइट। तो यानी कि जो होस्ट है इन चार ग्रहों का वो कंफर्टेबल पोजीशन में है, नाइन्थ हाउस में होना, फ्रेंडली साइन में होना, इट्स अ गुड, राइट। अच्छा, अब थर्ड प्रिंसिपल देखें, शनि की स्थिति की बात करें, शनि के पीछे और आगे अगर हम नोटिस करें तो चंद्रमा की डिग्री शनि से कम है और शुक्र की डिग्री चंद्रमा शनि से ज्यादा है। तो शनि दो दो शुभ ग्रहों के बीच में बैठा हुआ है, तो स्ट्रांग है, करेक्ट, इट्स अ गुड साइन। मतलब आपका लग्नेश एट हाउस में गया जो कि अच्छा नहीं था, लेकिन उसके ऊपर जो दोनों ग्रह है शुक्र चंद्रमा है, तो शुक्र चंद्रमा के मध्य आने की वजह से ये नेगेटिव कॉम्बिनेशन नहीं काउंट हो, यहाँ पर भी आपको सपोर्ट मिल। ये जो लड़की है, ये एक फीमेल का चार्ट, फाइनेंशियली शी इज क्वाइट गुड, मतलब फैमिली सपोर्ट बहुत है, राइट नाउ शी इज इन फ्लोरिडा, दिल्ली में पैदा हुए थे, पटना में पैदा हुए थे सॉरी, दिल्ली में इनका ब्रॉटअप हुआ। तो कहने का अर्थ ये है कि ये कॉम्बिनेशन जो हम चार ग्रहों का अष्टम में देख के नॉर्मली हम क्या करते हैं कि 6-8-12 में ग्रह हो तो कुंडली खराब होती है, एक लेमन वाला जो प्रिंसिपल है कि 6-8-12 में ग्रह नहीं। पर अगर हम इस चार्ट में देखें, 8th हाउस में होने के बावजूद इसने बहुत अच्छी एक लाइफ अटेन की और द ग्रेस ऑफ गॉड अभी तक कोई ऐसा मेजर इशू नहीं है इसकी लाइफ में जो हम यहाँ पर कहें कि ये बहुत नेगेटिव चार्ट, कुछ ऐसा ऊपर वाले कृपा से नहीं हुआ। तो कहने का अर्थ ये है कि जब हम युति देखते हैं चार ग्रह की, पांच ग्रह की, तो हमें इन तीन प्रिंसिपल का बहुत ध्यान देना चाहिए कि किस भाव में ये युति है, उसका उसका राशि स्वामी कितना बली है, क्या वो रिजल्ट देने लायक भी है कि नहीं, और थर्ड डिग्री वाइज कौन किसको दबा रहा है, जैसे अभी आपने कहा कौन किसके आगे पीछे है जो स्थिति को अच्छा कर। यहाँ पर एक बात और मैं बता दूं, जो डिग्री में आपके पीछे है वो आपका भूत है और जो डिग्री में आपके आगे है वो आपका भविष्य है। ये नाड़ी का प्रिंसिपल है, आरजी राव सर की बुक्स में गिवन है कि जो ग्रह आपको आगे क्या मिलने वाला है वो देखिए उस ग्रह से अगले भोगांश कौन से ग्रह, और जो पीछे है आपके यानी पास्ट लाइफ में या जब आप पैदा हुए थे तो अब ये लेकर आए। फॉर एग्जांपल अगर लग्न के भोगांश से शुक्र के भोगांश कम हुए, उसी घर में शुक्र बैठा और उसके भोगांश कम हुए, इसका अर्थ ये है कि आप एक अच्छे सभ्य परिवार में या एक आर्थिक रूप से संपन्न परिवार में जन्मे थे जहां पैसे की कमी नहीं, क्योंकि लग्नेश के पीछे शुक्र है। अगर वही शुक्र लग्नेश के आगे है तो यू विल अटेन वेल्थ विद योर ओन एफर्ट बाय योर ओन। तो डिग्रीज की इंपॉर्टेंस ये होती है कि कौन क्या लेकर आया है, कौन क्या लेकर जाएगा, कौन जैसे अभी आपने कहा क्रूर ग्रह के मध्य है तो स्थिति खराब है, शुभ ग्रह के मध्य है तो स्थिति बहुत अच्छी है। तो ये तीन चार फैक्टर अगर हम देखें तो इस तरह के कॉम्प्लेक्स चार्ट को जहाँ चार या पांच ग्रह इकट्ठे हो क्रैक किया जा सकता। तो यही आज का ये टॉपिक था जो मुझे लग रहा था कि मुझे शेयर करना। थैंक यू सो मच नितिन, आपने जो बताया हमको बहुत बहुत ही काम आने वाली है, क्योंकि बहुत लोगों के चार्ट्स में ये कॉम्बिनेशंस हम देखते हैं एंड हम लोग परपेचुअली हमको समझ नहीं आता है कि किस तरह से इस चार्ट का हम एनालिसिस करें, लेकिन बहुत हद तक अब सुविधा हो जाएगी हम लोगों को एनालिसिस करने के लिए। सो सप्तऋषि एस्ट्रोलॉजी टीम की ओर से अनुराधा शारदा, मैं आपका
तहे दिल से धन्यवाद। और अगली बार आप क्या पढ़ाने वाले हैं वो भी हमें बता दीजिए, तो हमारे दर्शक उसके लिए अपेक्षा करते रहे। वी कैन डू यही डिग्रीज की जब हम बात कर रहे हैं तो इत्तिशाल और इशराफ किस तरह से एक नॉर्मल D1 चार्ट में देखना चाहिए वो हम डिस्कस कि हम यहाँ प्रश्न करते कि एक कुंडली में ग्रह की डिग्री कितना मैटर करती है, कौन आगे है कौन नहीं, यही जो हमने जहाँ आज छोड़ा इसी को हम आगे बढ़ाते हैं और उसमें रिजल्ट। डेफिनेटली, तो इत्तिशाल इशराफ योग के साथ अगली बार नितिन कश्यप के साथ अनुराधा शर्मा फिर मिलते हैं। नमस्ते।